नमस्कार, मैं देवेंद्र कुमार, ड्राफ्टमैन सिविल अनुदेशक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहारनपुर। आज का हमारा टॉपिक है मसाला और कंक्रीट। प्रशिक्षण का सारांश पहला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम मसाला, मसाले का वर्गीकरण, कंक्रीट, पानी सीमेंट अनुपात, कंक्रीट की तराई, कंक्रीट की सघनता, अवपात परीक्षण। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मसाला। मसाले को हम मोर्टार भी बोलते हैं। मोर्टार मोर्टार एक लोचदार पदार्थ होता है। लोचदार का मतलब है यहाँ पे लचीला, पेस्ट टाइप, जैसे जब पेस्ट होता है वैसे। मसाला एक लोचदार पदार्थ है। सीमेंट या चूने को महीन मिलावे के साथ आवश्यक मात्रा में पानी मिलाकर यह पेस्ट तैयार किया जाता है, जिसे हम मसाला कहते हैं। मसाले का नाम उसके बंधक पदार्थ के आधार पर रखा जाता है। बंधक पदार्थ वो होता है जो दो मटेरियल को आपस में जोड़ता है। तो इसमें बंधक पदार्थ क्या कौन सा होगा? जो जैसे हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो सीमेंट हमारा बंधक पदार्थ है, ठीक है। तो मसाले का नाम जो भी मसाला हम बनाएंगे, जैसे सीमेंट मोर्टार हुआ, लाइम मोर्टार हुआ, तो ये किस बेसिस पर नाम रखे जा रहे हैं? ये उस बेसिस पर रखे जा रहे हैं जिस बेसिस पर इसमें बंधक पदार्थ मिलाया जा रहा है। तो बंधक पदार्थ ये वाला बंधक पदार्थ, बाइंडिंग मटेरियल बोलते हैं इसको, बंधक पदार्थ को हम। तो हम जो डिफरेंट टाइप्स के मसाले पढ़ते हैं वो हमारा है सबसे पहले यहाँ पर मिट्टी का मसाला, जिसको हम मड मोर्टार कहते हैं। दूसरा है सीमेंट का मसाला, जिसको हम सीमेंट मोर्टार बोलते हैं। फिर तीसरा है चूने का मसाला, जिसको हम लाइम मोर्टार बोलते हैं। फिर है चौथा गेज मोर्टार। गेज मोर्टार क्या होता है ये अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मिट्टी का मसाला। मिट्टी के मसाले में जो मुख्य बंधक पदार्थ होता है वो चिकनी मिट्टी होती है। तो यहाँ पर जो मुख्य बंधक पदार्थ है वो है चिकनी मिट्टी, ठीक है। ये जो मिट्टी का मसाला है वो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं देहाती गाँव में, जैसे गाँव है वहाँ पर हम जो भी ईंट पत्थर की चिनाई करते हैं वहाँ पर अधिकतर चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब तो सीमेंट मोर्टार का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अब आता है इसके बाद सीमेंट मोर्टार। सीमेंट मोर्टार इंजीनियरिंग के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है मोर्टार, वो सीमेंट मोर्टार होता है। सीमेंट मोर्टार में जो मुख्य बंधक पदार्थ होता है वो सीमेंट होता है। तो सीमेंट के मसाले में सीमेंट मुख्य बंधन पदार्थ होता है। सीमेंट मसाले का निर्माण सीमेंट बालू के मिश्रण के साथ पानी मिलाने से किया जाता है। ये आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जो सीमेंट मोर्टार होता है उसको हम अलग अलग अनुपात में अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सब प्लास्तर, जैसे प्लास्तर है तो प्लास्तर के लिए हम जो अनुपात रखते हैं 1:1:4, और साधारण ईंट की चिनाई के लिए हम क्या करते हैं इसका जो रेशियो होता है वो 1:5। यहाँ पर जैसे कि 1:5 लिखा हुआ है ये, तो इसका मतलब है कि जो एक भाग है वो है सीमेंट का और 5 भाग है वो है बालू, या इसको हम फाइन एग्रीगेट भी बोलते हैं इंग्लिश में, फाइन एग्रीगेट, और या फिर इसको हम महीन मिलावा भी बोलते हैं, ठीक है। बालू को, ये बालू जो इसमें इस्तेमाल करेंगे वो क्या है, वो महीन मिलावा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर हम टीप कार्य, जो प्लास्टर में जो टीप कार्य होता है उसके लिए हम 1:2:1:3 का इस्तेमाल करते हैं प्लास्टर का मिश्रण। जो नींव की दीवारें होती हैं उनमें हम 1:4 का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर नोट भी लिखा है, जैसे कि यहाँ पर ये 1:3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर उसी के अनुपात को यहाँ पर दर्शाया गया है कि 1:3 से तात्पर्य है एक भाग सीमेंट और 3 भाग बालू का होता है। अब आते हैं लाइम मोर्टार पर। लाइम मोर्टार में क्या है, मोर्टार वो मोर्टार जिसमें चूने का इस्तेमाल एज बंधक पदार्थ के रूप में किया जाता है उसको हम लाइम मोर्टार कहते हैं, ठीक है। लाइम मोर्टार इसमें यदि चूना मसाले में बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वह मसाला चूने का मसाला या लाइम मोर्टार कहलाएगा। अब आता है गेज मोर्टार। ये गेज मोर्टार बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके ऊपर क्वेश्चन।
मेन क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो हम गेज मोर्टार के बारे में पढ़ेंगे। अगर सीमेंट और चूना और बालू और पानी को मिलाकर जो भी मसाला हम बनाएंगे उसको हम गेज मोर्टार बोलेंगे। जैसे हम पहले बनाते थे सीमेंट मिलाते थे और उसमें बालू मिलाते थे और पानी मिलाते थे, तो ये हमारा सीमेंट मोर्टार बन गया। अगर उसी में हम थोड़ा चूना भी मिला दें तो वो क्या हो जाएगा, गेज मोर्टार। मतलब ऐसा मोर्टार जिसमें एक से ज़्यादा बंधक पदार्थ मिलाए जाएं उसको हम गेज मोर्टार कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कंक्रीट। कंक्रीट का इस्तेमाल हम अगर कंक्रीट में, जैसे हम अभी इससे पहले हम मोर्टार पढ़ रहे थे ना, तो मोर्टार में एक तो बंधक पदार्थ होता है, एक उसमें महीन मिला हुआ होता है और पानी होता है। ऐसे ही अगर हम इसमें मोटा मिला हुआ भी मिला दें, जैसे कंक्रीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बंधक पदार्थ होगा, एक महीन मिला हुआ, फिर मोटा मिला हुआ। मोटा भी मिला हुआ का मतलब है यहाँ पर जो पत्थर की रोड़ी होती है या ईंट की रोड़ी होती है उसको हम मोटा मिला हुआ बोलते हैं। महीन मिला हुआ किसको बोलते हैं, हम रेत बालू ठीक है सुरखी को भी महीन मिला हुआ में लेते हैं। तो ये कंक्रीट का मिश्रण क्या हो गया, कंक्रीट पढ़ लेते हैं इसको। कंक्रीट एक मिश्रित पदार्थ है, ठीक है, जिसमें सीमेंट या चूने के साथ महीन मिलावे के रूप में बालू सिंडर ये महीन मिलावे में आता है, और मोटा मिलावे के रूप में ईंटों या पत्थरों के टुकड़ों मिलाए जाते हैं। तो उस वो जो मिश्रण बनेगा उसको हम कंक्रीट बोलेंगे। कंक्रीट दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गया हमारा सीमेंट कंक्रीट, एक हो गया चूना कंक्रीट, ठीक है। यदि कंक्रीट में सीमेंट मुख्य बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह सीमेंट कंक्रीट कहलाता है, और यदि चूना मुख्य बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाए तो वह चूना कंक्रीट कहलाता है। कंक्रीट की सामर्थ्य उसके गुण विभिन्न अनुपातों में मिलाए गए घटकों के अनुपातों पर निर्भर करता है। अब जो कंक्रीट है उसको हम अलग अलग कार्य में अलग अलग सामर्थ्य के हिसाब से अलग अलग अनुपात का इस्तेमाल करते हैं। तो साधारणतः तो जो हम सीमेंट कंक्रीट के घटकों के अनुपात नीचे दिए गए हैं जो विभिन्न निर्माण कार्यों में भिन्न भिन्न अपनाए जाते हैं, जैसे कि 1:1.5:3, तो ये एक अनुपात है। फिर दूसरा अनुपात है 1:3:6, तो ये एक अनुपात है। यहाँ पर जैसे कि एक लिखा है, एक का मतलब है कि जो एक भाग है वो सीमेंट का है, डेढ़ भाग है वो महीन मिलावे का है, तीसरा भाग जो होगा ये वाला ये मोटे मिलावे का। मतलब अगर 1 kg हम सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 kg हमें रेत लेनी पड़ेगी, 3 kg हमें क्या लेना पड़ेगा, मोटा मिला हुआ। यहाँ पर जनरली हम वॉल्यूम्स में इस्तेमाल करेंगे तो फिर 1 यूनिट वॉल्यूम सीमेंट का, 1.5 यूनिट वॉल्यूम रेत का, 3 यूनिट वॉल्यूम मोटे मिलावे का। तो यहाँ पे देखो अनुपात लिखा भी है, जैसे कि पहला भाग सीमेंट, दूसरा भाग बालू और तीसरा मोटा मिलावे का होता है। ये रेशियो यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पानी सीमेंट अनुपात, इसको हम वाटर सीमेंट रेशियो भी बोलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो को हम WC अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.45 से 0.50, तो ये इतना अनुपात हम यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, इतना अनुपात हम यूज़ करते हैं इसको। तो पानी के परिमाण और सीमेंट के परिमाण का अनुपात वाटर सीमेंट रेशियो या पानी का सीमेंट अनुपात कहलाता है। साधारणतः कंक्रीट में सीमेंट व पानी का अनुपात जो रखते हैं वो इतना रखते हैं 0.50 के बीच में रखा जाता है। ये वाटर सीमेंट रेशियो का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि हम जब भी कंक्रीट बनाते हैं उसमें पानी अपनी मर्जी से नहीं डालते, उसमें हम जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के हिसाब से ही यूज़ करते हैं। जैसे ये सीमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है तो इसका मल्टीप्लाई अगर इससे करेंगे तो जो भी, जैसे कि अगर ये
हम 1 लीटर है तो 1 लीटर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो जितना भी लीटर आएगा उतना पानी हम उस कंक्रीट अनुपात में मिलाते हैं। तो ये इससे ये चीज़ समझ में आ रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भी कंक्रीट का सामर्थ्य कम हो जाएगा। अगर कम हो पानी कम रख देंगे, ज़्यादा ही कम रख देंगे, तो वो सही से रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो कंक्रीट में सामर्थ्य आता है, जो ताकत आती है, वो आती है सीमेंट का पानी के साथ रिएक्शन करना। जब सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। हाइड्रेशन रिएक्शन से बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट बनते हैं जो बाइंडिंग मटेरियल की तरह बन जाते हैं, मतलब वो फिर सीमेंट को रेत को और मोटे मिलावे को आपस में जोड़ देते हैं, इससे उसमें सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है कंक्रीट की तराई। अब हमने कंक्रीट बना लिया है, अब उसको हमने कंक्रीट को बिछा भी दिया या उसको डाल भी दिया कहीं पर, यूज़ कर लिया गया है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट है कंक्रीट की तराई करना। पानी की में कमी ना हो तो इसलिए हम उसको कुछ दिनों तक तराई करते रहते हैं। अब तराई करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि क्या होता है जो कंक्रीट है उसमें से हीट निकलती है। हीट क्यों निकलती है, सीमेंट और पानी की रिएक्शन होती है तो उससे हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। जो हाइड्रेशन रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें से हीट निकलती है। तो जब हीट निकलती है तो जो कंक्रीट है उसकी जो सतह होती है वो सिकुड़ने और बढ़ने लगती है, फैलने लगती है, और वे बाद में वो ठंडी होकर फिर सिकुड़ने लगती है। तो इस सिकुड़ने और फैलने से कंक्रीट की जो सरफेस होती है उसमें दरारें पड़ने लगती है। तो वो दरारें ना पड़े इसीलिए हम उसमें पानी डालते रहते हैं ताकि तराई होती रहती है। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ताजी डाली गई कंक्रीट में कुछ दिनों तक पानी डालकर गीला रखने की क्रिया कंक्रीट की तराई कहलाता है। तराई का जो समय है वो वायुमंडलीय स्थिति पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सामान्य सामान्य परिस्थितियों में यह 7 से 10 दिन तक रखते हैं, मतलब जो तराई के दिन होते हैं वो जनरली हम 7 से 10 दिन रखते हैं। ये जनरली ऐसी जगह पे है जहाँ पे मतलब ज़्यादा ठंड नहीं होती है। ठंडे वाले जो इलाके होते हैं उसमें हम 15 से 20 दिनों तक तराई की क्रिया करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक, क्योंकि वहाँ पर जो वायुमंडल होता है उसमें ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, जिससे कि शुष्क वातावरण शुष्क हो जाता है, जिससे कि हम पानी जो डालते हैं वो जल्दी से उड़ जाता है, या फिर वो ह्यूमिडिटी नहीं होने की वजह से उसमें पानी ठहर नहीं पाता है कंक्रीट के ऊपर। तो फिर इसलिए हमें ज़्यादा दिन तक तराई करनी पड़ती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, समतल सतह पर जैसे स्लैब फर्श आदि में डाले गए कंक्रीट की तराई करने के लिए सामान्यतः धरातल पर बालू या मिट्टी की आयताकार व वर्गाकार क्यारी बना दी जाती है। उन क्यारियों में आवश्यकता अनुसार पानी भर दिया जाता है। जब यह कंक्रीट पूर्णतः रिस जाए तो पुनः क्यारियों में पानी भर दिया जाता है। यह क्रिया कम से कम 7 दिनों तक करनी चाहिए। जो स्लैब हम डालते हैं उसमें ऊपर की साइड में हम क्या करते हैं, मिट्टी या रेत से छोटी छोटी क्यारे बना देते हैं और उसमें हम पानी डाल देते हैं। जैसे ही वो पानी ख़त्म होता है फिर से हम उसमें पानी डालते रहते हैं। इस तरह से हम तराई करते हैं। ये क्रिया लगभग हमारी 7 दिनों तक चलती है। अब जैसे कॉलम है, कॉलम की तराई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम की तराई करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गीले बोरे होते हैं उसको उस पर लपेट देते हैं और धीरे धीरे उस पर हम पानी डालते रहते हैं ताकि वो गीला रहे। तो यहाँ पर देख भी लेते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल धरातल जैसे बीम व कॉलम आदि की तराई करने के लिए धरातल पर गीले बोरे लपेट दिए जाते हैं तथा उन्हें प्रतिदिन पानी से गीला कर दिया जाता है। इस तरह से हम कंक्रीट की तराई करते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, कंक्रीट की सघनता। कंक्रीट की सघनता का मतलब है कि कंक्रीट जो मसाला बनाते हैं वो द्रव की तरह कितना बहने की उसकी प्रवृत्ति है, उसको हम उस सघनता को हम कंक्रीट की सघनता बोलते हैं या कंसिस्टेंसी ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट मसाले की द्रव के रूप में बहने की प्रवृत्ति सघनता का नाप है। मसाले की सघनता कंक्रीट मिश्रण में जल की मात्रा पर निर्भर करता है। कंक्रीट में सघनता के नाप के लिए एक प्रयोग किया जाता है
इसे अवपात परीक्षण कहते हैं, स्लम टेस्ट बोलते हैं उसको। जो कंक्रीट की सघनता है उसको नापने के लिए हम एक स्लम टेस्ट करते हैं। तो स्लम टेस्ट कैसे करते हैं, इससे पहले हमें स्लम टेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा कि स्लम टेस्ट होता क्या है। तो स्लम टेस्ट यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस परीक्षण में इस्पात का एक शंकु छिन्नक, जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, फ्रस्टम ऑफ कॉर्न का सांचा लिया जाता है, जो ऊपर से नीचे दोनों सिरों में खुला रहता है। इसके लिए ऊपर से के सिरे का व्यास 10 सेंटीमीटर और नीचे के सिरे का व्यास 20 सेंटीमीटर होता है। देखो ये इसका फिगर यहाँ पे देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए ऊपर का जो सिरा है वो 10 सेंटीमीटर है, और नीचे का जो सिरा है वो 20 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो 30 सेंटीमीटर। इसके अंदर कंक्रीट भरते हैं और वो कंक्रीट इस तरह से उसको जब निकाल देते हैं इसके फ्रस्टम को, तो कंक्रीट इस तरह से रह जाता है। वो धीरे धीरे फिर कंक्रीट बैठने लगता है, जो जितना पहले जो उसकी हाइट थी उस हाइट से वो जितना नीचे गिर जाता है, तो उसको हम स्लम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम अभी वापस से फिर पिछली स्लाइड में आते हैं। इस परीक्षण में हमने जो अभी पढ़ा है, देखिए कि इसका जो जो ऊपर का व्यास होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है, और जो नीचे का व्यास होता है वो 20 सेंटीमीटर होता है। कंक्रीट इसमें 4 सेंटीमीटर की तहों में कंक्रीट भरते हैं, हम इसमें 4 4 सेंटीमीटर की तह डालते हैं, और उसको इस तरह से फिर हम उसको एक 4 सेंटीमीटर व्यास की लोहे की छड़ से 25 बार कुटाई करते हैं, फिर उसमें तह बिछाते हैं, फिर उसकी 25 बार कुटाई करते हैं। इस तरह से इस पूरा सांचा हम कंक्रीट से भर देते हैं, और उसे किनारों से लगे हैंडल की सहायता से उठा लिया जाता है। सांचे का ऊपर उठाने से कंक्रीट कुछ देर बाद नीचे बैठने लगती है। कंक्रीट के नीचे बैठने को ही हम कंक्रीट का अवपात या स्लम्प कहते हैं। इस जो ये स्लम्प होता है, इसको हम मिलीमीटर में नाप लेते हैं। यह अवपात विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रयोग किया जाता है। वो कितना यूज़ करते हैं वो अब हम आगे इस स्लाइड में पढ़ेंगे। जैसे सड़क की जो कंक्रीट कार्य होता है, उसमें जो अवपात होना चाहिए वो 20 से 40 cm में होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इससे हमें जो वर्केबिलिटी है कंक्रीट की वो हमें अच्छी मिल जाती है। फिर है साधारण कार्यों के लिए हमें 60 से 120 mm, और ब्रेस्ट दीवार के लिए या रिटेनिंग वॉल के लिए 70 से 100, और प्रबलित कंक्रीट कार्यों के लिए 40 से 80 mm का हम स्लम्प यूज़ करते हैं। कंक्रीट के लिए 13 से 25, और कंक्रीट बांधों के लिए 25 से 35 mm का हम स्लम्प का इस्तेमाल करते हैं। तो लगभग हमारा जो स्लम्प टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। फिर भी मैं एक बार आपको फिगर दिखा देता हूँ कैसा होता है, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। ये देखिए, ये एक कोन की तरह होता है, जो ऊपर से खुला रहता है और नीचे से खुला रहता है। ठीक है, जो ये यहाँ पे 20 सेंटीमीटर दिख रहा है, यहाँ से भी खुला है, ऊपर से भी खुला है। इसमें हम ऊपर से कंक्रीट भरते हैं, 4 4 सेंटीमीटर की तह में उसको भरते रहते हैं, और फिर उसको 25 जो हमारा एक रोड है, 25 सेंटीमीटर की जो रोड है उससे हम उसको कूटते रहते हैं, और फिर वो धीरे धीरे कंक्रीट का मोल्ड इस तरह से बन जाता है। और वो फिर उसको जब ये हैंडल से हम स्लम को, ये जो कोन है इसको बाहर निकाल देते हैं, तो ये हमारा इस तरह से बैठ जाता है कंक्रीट। जो जितना ये गिरता है ऊपर से, पहले जो स्थिति थी और उसकी बाद की स्थिति से जो ये दूरी हम नापेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, स्लम बोलेंगे। तो एक और चीज़ है, ये हमारी स्लाइड वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन एक और चीज़ इसमें रह गई है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंक्रीट को हम उसके सामर्थ्य के हिसाब से उसका नाम देते हैं। जैसे अगर मैं लिखूँगा हम M15 कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर कंक्रीट का मतलब है, M का मतलब है मिक्स, ये ध्यान रखना है, मिक्स। एग्ज़ाम में आता है कि जो M15 कंक्रीट होता है उसमें M का
का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कंक्रीट का मतलब, M15 का मतलब है मिक्स। तो ये मिक्स क्या होता है? ये अनुपात होता है, जैसे 1:3:6। तो ये मिक्स जो होगा उसी को हम यहाँ पर मिक्स बोल दे रहे हैं, ठीक है। और उसको हम शॉर्ट में M लिख देते हैं यहाँ पे। और 15 का मतलब है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, मतलब ये 28 डे की उसकी ताकत है, सामर्थ्य है। और ये कितना, ये किस यूनिट में होता है? न्यूटन पर mm² में। तो अगर हम यहाँ पे कहीं पे M15 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो 15 न्यूटन mm² 28 दिन की उसकी ताकत है। मतलब वो जब हमने बनाया था कंक्रीट, उसको 28 दिन के बाद उसको टेस्ट करते हैं, तो जब उसको टेस्ट करते हैं तो उसकी जो ताकत आती है, जितना वो लोड सह लेता है, वो उसका यहाँ पे दिखाया जाता है कि ये 15 न्यूटन mm इतनी उसकी ताकत है, इतना लोड वो सह सकता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि M15 कंक्रीट क्या होता है। या फिर अगर कहीं पे ऐसा भी लिखा रहा है कि M5, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये तो मिक्स हो गया। और ये 5 क्या है? 5 है उसकी 28 दिन की ताकत, न्यूटन पर mm² में इसको हम मेज़र करते हैं। तो होप आपको ये कंक्रीट से रिलेटेड और मसाले से रिलेटेड मेरा टॉपिक समझ में आया होगा। और बाकी अगर समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो और दोबारा से देख लें। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।